बिल्कुल, ये महामुकाबला और इस महामुकाबला का साक्षी अहमदाबाद बनने जा रहा है। और मेरे पीछे की जो तस्वीर है वो सारे दर्शकों को दिखा गुजरात से आया हूँ, मैं गुजरात से ही हूँ। हाँ। अरुण जी क्या कहेंगे, कैसी तैयारी चल रही है? जबरदस्त, यहाँ पे आप माहौल देख रहे हो, जबरदस्त उत्साह, जबरदस्त ऐसे लग रहा है नया त्यौहार आ रहा है। मैं सेमीफाइनल में मुंबई से भी, मुंबई भी गया था, वहाँ पर इंडिया की टीम को चेयरअप कर रहा था और जिस तरह की टीम जबरदस्त फॉर्म में चल रही है, मुझे नहीं लगता है कोई ऑस्ट्रेलिया की टीम हमारे को रोक पाएगी। ये वर्ल्ड कप हमारा ही है, 2011 की जीत इंडिया फिर से करेगा रिपीट। इंडिया जीत से जिस तरीके से गुजराती में ये कई सारे लोग हैं वो उत्साह देखने को मिल रहा है। मुझे आपका नाम बताइए, कहाँ से आए हो बताइए। 2003 फाइनल हार के हिसाब करेंगे, नाम बताइए, पहले नाम बताइए, वही नाम ही बता रहे हैं। 2003 फाइनल हार का हिसाब ऑस्ट्रेलिया से करेंगे हम चुकता। 2003 फाइनल हार का हिसाब हम ऑस्ट्रेलिया से करेंगे चुकता और अपना नाम है शुभम गुप्ता। इस कवाली स्टाइल में इन दोनों दो शब्द आपके न्यूज चैनल के लिए बोल देते हैं। ऑस्ट्रेलिया वालों को फाइनल में करेंगे हम छिन भिन। ऑस्ट्रेलिया वालों को फाइनल में करेंगे हम छिन भिन और आप देख रहे हैं इस समय न्यूज 18। उत्तर प्रदेश से हो सायरा? हाँ जी, यूपी से है। यूपी से? यूपी वाले हैं। हिंदुस्तान का हमेशा ऊंचा रहेगा सर, हमारे प्रदेश की शान है बुलडोजर। स्टेडियम के बाहर आपने जिस पूछा कि यहाँ पे सिक्योरिटी के जो बंदोबस्त किया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं मैं एंट्री गेट बता रही हूँ और एंट्री गेट पे सिक्योरिटी है वो चाक चौबंद की गई है और साथ ही साथ अगर कोई अनहोनी ना हो तो उसके लिए भी आप देख सकते हैं मेडिकल जो सुविधा है वो सुविधा भी यहाँ को देखने को मिल रही है। साथों साथ कोई भी यहाँ पे एंट्री लेना चाहता है तो उसको अपना जो आई कार्ड है वो आई कार्ड जो बीसीसीआई एक्रेडिटेशन है वो दिखाना पड़ेगा। उसके अलावा उन्होंने अगर टिकट ली है तो वो दिखानी पड़ेगी। टीम है खासतौर पर पुलिस बंदोबस्त जो यहाँ पे है, जो लोकल पुलिस के आला अफसर है वो भी खास तौर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो पूरी स्टेडियम के आसपास के जो एरिया है उसको भी कवर कर रहे हैं, कई सारे लोग हैं और साथ ही साथ कई सारी एजेंसी है, वो एजेंसी ड्रोन के जरिए स्टेडियम के ऊपर नज़र भी रख रही है।